पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति आर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोचकर उड़ा जाता है। और इसलिए उस पक्षियों को राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यही से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो पंछी जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आने के बाद उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना सीखा नहीं है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। और वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है, और उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, जितना बरसना है बरस ले। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो अपनी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। और अब उसी बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा, गिद्धों ने छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित करना। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहू लुहान हो जाता है और इंतजार करता रहता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वह फिर से तैयार होता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते हम सब के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड करते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों का बोझ पड़ते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन करो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए, तभी और तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। तो ये बाज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।